नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम। आइए 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पीलीभीत के प्रबुद्ध सम्मेलन से जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में शामिल लोग युवाओं की हाथों में तमंचा थमाते थे। हमारी सरकार ने रोजगार दिया सपा बसपा के समय में कर्फ्यू लगता था, हमने कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाया। आज जहां कावड़ यात्रा निकाली जाती है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने मंगलवार को रोड शो किया। इसके अलावा उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में थे। इसके बाद शुभकामना वेंकट हॉल शास्त्री नगर स्थित में नामांकन बैठक में भाग लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से वार्ता की। वहीं आपको बता दें कि सपा में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट को लेकर पिछले 17 दिनों से चली आ रही खींचतान पर सोमवार रात विराम लग गया है। सपा ने सरदना विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया था। अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले उनके कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब सपा अध्यक्ष चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी इस सीट से प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन करने में जुटी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से बूथ प्रभारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चचेरे भाई तेज प्रताप को टिकट दे सकते हैं। मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता उज्जवल सिंह मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे लखनऊ में उज्जवल रमण सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इलाहाबाद सीट से भावी कांग्रेस प्रत्याशी ने यमुना पार में प्रचार भी शुरू कर दिया है। उमेश हत्याकांड में अतीक अहमद की परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनम उर्फ रूबी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पहले से ही 50,000 का इनाम घोषित है। पुलिस इस हत्याकांड में फरार आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। घटना के 1 साल बाद भी पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चित्रकूट जनपद में डंपर और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अन्य 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अमानपुर नेशनल हाईवे का है। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी बारिश तो कभी गर्मी सितम ढा रही है। अब इस हफ्ते एक बार फिर यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रदेश में 2 दिनों तक आंधी के साथ बारिश हो सकती है। लखनऊ मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।